उस बंदर लेके यहाँ से प्रसाद लेके भी निकल गया, उसने प्रसाद नीचे गिरा दिया है। गाइस देख रहा हूँ इसके ऊपर आके रुक गई है, फिर रुक की पता नहीं क्यों है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम गजराज एंडी वॉचिंग नवका व्लॉग्स। तो गाइस पिछले वाला व्लॉग आपने देखा था, उसमें मैंने आपको पुष्कर का मंदिर और पुष्कर का पूरा मार्केट दिखाया था, तलवार का पूरा मार्केट लगता है वो दिखाया था। ये वाला व्लॉग उसमें अपन सावित्री माता टेम्पल पर आए, और सावित्री माता टेम्पल उसके बारे में क्या है, कहाँ जाते हैं, रोपवे भी यहाँ बना उसमें अपन चलेंगे, वो भी आपको मैं पूरा दिखाऊँगा। ये सीढ़ियाँ, अगर सीढ़ियों से आप जाते तो यहाँ से जा सकते हो, उस साइड साइड रोपवे है, अपने को रोपवे में चलना है। थोड़ी इंक्वायरी करनी पड़ेगी किधर है क्या है कहाँ से अपने को मिलेगा। तो गाइस अपन ने रोपवे का टिकट ले लिया है, ये 153 का टिकट पड़ा है, आने जाने का दोनों का अपन ने लिया है। और वैसे आपको बता दूँ रोपवे में पहली बार बैठ रहा हूँ, और ये जो रोपवे है ये हाईएस्ट रोपवे है राजस्थान का शायद, जहाँ तक मुझे मालूम है। तो गाइस चलते हैं, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, आपको भी इंजॉय करता हूँ पूरा रोपवे का, कैसे का एक्सपीरियंस रहता है आपको आगे बताऊँगा मैं। हम दो ही हैं सर। तो गाइस रोपवे में अपन आ चुके हैं, अच्छी बात है कि फिर दो ही है, कोई दूसरा तीसरा है नहीं। ये चलेगी बाद में चलेगी, चल रही है बस अपनी जो रोपे है वो चल पड़ी है। तो अपने पीछे दो और बग्घियाँ आ रही है, सही रोपे बोलते हैं इनको, लेकिन जैसे बग्घियाँ होती है ना पुराने ज़माने में, अपने पीछे दो और बग्घियाँ आ रही है। मैं क्या मेरे साथ आप लोग भी, तो आप लोगों को बिठा रखा मैंने। और ये देख रहे हो आप इस साइड में, यहाँ से पुष्कर का पूरा अच्छा खासा व्यू इस साइड दिखेगा पूरा, ये देखो आप, ये देखो यहाँ से पुष्कर का पूरा अच्छा खासा व्यूज आपको दिखाएगा, दिख रहा होगा भाई। एंड रघु कैसा रहा आपका रोपवे का एक्सपीरियंस, कैसा कैसा महसूस कर रहे हो आप रोपवे में बैठे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अद्भुत, अप्रतिम, अविस्मरणीय। हाँ मैं पहली बार बैठा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। ये तो खतरनाक तरीके से देख रहा, इस साइड से दूसरी वाली रोपवे जा रही है, वो जा रही है, वो गई 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 निकल गई, ऊंचाई से काफी डर लगता है, और यहाँ पे ये झूल रही है से हवा में से बह रही है, पता नहीं गिर तो नहीं जाएगी भाई, सच्ची में डर लग रहा है, रियल में भगवान कसम डर लग रहा है। फिर रुक गई, पता नहीं क्यों है, बिल्कुल स्टील हो गए, पहले धीरे चल रही थी रुक गई, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी, इधर वाली भी यहीं रुकी हुई, हम लोग भी यहीं रुके हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है, उल्टी ऐसे यार हवा में लहर नहीं है। रुकी हुई पता नहीं क्यों है, ऐसा लग रहा है बलून में बैठे बलून वाली चली गई। अरे थोड़ी प्राइस देख रहे हो, काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, काफ़ी ऊपर यार, बहुत ऊपर आ चुके हैं, काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है हेलीकॉप्टर में बैठ के, मतलब अपन साइड में देख रहे हैं हेलीकॉप्टर बैठ के हैं। नीचे आप देख रहे हैं पूरा पुष्कर के खेत वगैरह है, पुष्कर सिटी पे इधर रहती है साइड में, ये देखो दिख रहा है इस साइड पुष्कर सिटी, इस साइड देखते हो आप ऊपर वो मंदिर, माता का मंदिर, अभी तो वैसे काफ़ी ऊपर चलना है अपने को। हाँ तो भाई मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि मेरे को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि इतने ऊपर मतलब इतनी हाइट में मैं कभी आया ही नहीं हूँ, पहली बार ऐसे रोप में बैठा हूँ, मज़ा तो बहुत आ रहा है अंदर से, मतलब फीलिंग तो काफ़ी अच्छी आ रही है, बट थोड़ी फट भी रही है, सच्ची बता रहा हूँ रियल में मैं। बाकी ऊपर आप सामने देख रहे हो स्वाति माता टेम्पल, और लगभग अपन टेम्पल पहुँच चुके हैं, काफ़ी काफ़ी हाइट है, इस स्ट्रेस से आपको देखा था, इस साइड से देखो आप काफ़ी हाइट है यार, इस साइड से देखो काफ़ी ऊपर आ चुके हैं अपन, बहुत ऊपर आ चुके हैं। गाइस बंदर लेके यहाँ से प्रसाद लेके भी निकल गया, अरे यार उसने प्रसाद नीचे गिरा दिया है, खतरनाक यार।
बहुत डेंजर बनते रहे यहाँ के। तो गाइस अपन पहुँच चुके हैं सावित्री माता टेम्पल। कैमरा मैंने अंदर रख दिया क्योंकि यहाँ पे जो बंदर है वो काफ़ी अटैक कर रहे हैं यार, इसलिए मैंने कैमरा अंदर रख दिया। मैं मोबाइल से बना रहा हूँ, देख रहा हूँ मेरे पीछे ये मेन टेम्पल। अपन ने सावित्री माता का दर्शन कर लिए हैं और वापस निकल रहे हैं हम लोग। आपने देखा बंदर कितने बदमाश यहाँ के, देखा था आपने अभी जब हम निकले थे तो उन्होंने हमारे प्रसाद ही छीन लिया। और वैसे हम लोगों ने भी कुछ बोला नहीं क्योंकि लास्ट टाइम हमारे फ्रेंड आए थे यहाँ पे विक्रम सिंह शेखावत, उन्होंने बंदर को कुछ बोल दिया था, उनको बंदर ने काट लिया था। अगर आप गया था उस टाइम काफ़ी डर लग रहा था यार, अब तो थोड़ा कम लग रहा है। बाकी आप देख रहे हो इस साइड, देखो आप यहाँ से देखो क्या क्या व्यू, क्या नज़ारे हैं, देखो कितना ऊपर है यार, देख रहे हो पूरा पुष्कर ऐसे आपको दिखाया, पूरा पुष्कर पुष्कर लेक है। तो गाइस ये था अपना पुष्कर ब्लॉग, अजमेर जो अपना ऑल राइट राइड चल रही है उसमें अजमेर ब्लॉग का लास्ट वाला ब्लॉग था ये। इसमें मैंने पहले वाले ब्लॉग में मैंने आपको ब्रह्मा जी का मंदिर वो जो तलवार हो तलवार को मार के जहाँ से आप तलवार खींच सकते हो वो मैंने देखा था। इस वाले ब्लॉग में मैंने आपको सावित्री माता टेम्पल और पुष्कर जो लेक है उसका मैंने आपको टूर पूरा करवा दिया है। तो भाई आपको ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अपन अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, टाटा बाय बाय गुड बाय, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, या तो नेक्स्ट ब्लॉग में अपन चित्तौड़गढ़ चलेंगे। अगर चित्तौड़गढ़ नहीं जाते तो अपना जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो आएगा बाणगढ़ फोर्ट का।